मॉड्यूल 130 हंड्रेड ऑफ पी डी जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल काजेज़ को सो so, जब हम बायोलॉजिकल काजेज़ की बात करते हैं तो उसमें पहला फैक्टर जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ द जेनेटिक फैक्टर तो जेनेटिकली इट इज़ सेट के ऐसे फैमिलीज uh, जिनके अंदर uh, इस चीज़ का एलिमेंट हो कि जो स्ट्रेस है वो हैंडल करने में उनको प्रॉब्लम होता है और उनकी लिमिटेड स्ट्रेस हैंडलिंग होती है और उनके जो जीन्स होते हैं जो कि स्ट्रेस हैंडलिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर इसी तरह ये देखा गया है कि जो ट्विन्स होते हैं ख़ासतौर पे आइडेंटिकल ट्विन्स जिन्होंने कोई फाइटिंग को एक्सपीरियंस किया होता है तो अगर एक आइडेंटिकल ट्विन जो है उसके अंदर पी डी एस टी होता है तो इट इज़ मोर लाइकली कि जो दूसरा है उसके अंदर भी पी डी एस टी के सिम्टम्स जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं ठीक है देन वी टॉक अबाउट द न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरो ट्रांसमीटर के अंदर इट इज सेड के जो सेरेटोनिन लेवल होता है इनका वो डिस्टर्ब होता है डोपामीन लेवल जो है वो हाई होता है और जो गैबा है जो कि इन्वॉल्व है आपके फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस uh, को कंट्रोल करने में और उसका लेवल भी जो है वो इनके अंदर डिस्टर्ब होता है सो देन वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रेन स्ट्रक्चर जब हम ब्रेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो तीन एरियाज जो हैं वो ब्रेन के पीडीएसडी डी के अंदर देखा गया है कि इन्वॉल्व होते हैं जिसके अंदर हिपो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है एंड अमेडला है सो so, हिपो जो है ये बेसिकली मेमोरी के अंदर और लर्निंग के अंदर इन्वॉल्व होता है देन मेगडला जो होता है वो आपके इमोशन रेगुलेशन के अंदर जो है इसकी इन्वॉलमेंट होती है और जो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है या आपके डिसीजन मेकिंग की जो स्किल है उसके अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है तो बेसिकली ये कहा जाता है कि इनका जो हिपो का एरिया होता है ये भी रिड्यूस होता है और जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है इसका वॉल्यूम भी जो है वो रिड्यूस होता है और चूंकि मेगडला जो है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बिल्कुल साथ है और हिपो के भी बिल्कुल साथ है जिसकी वजह से जो इमोशनल रेगुलेशन है वो बहुत हद तक डिस्टर्ब होती है तो ऐसे बच्चे जिनको पी जो एक्सपीरियंस करते हैं एम की जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं वो इन तीन एरियाज़ के अंदर जो प्रॉब्लम है वो लोकेट करती है